लगातार पॉइंट अगर अचीव करती है तो कहीं ना कहीं प्रेशर बनेगा। देखना है ये दोनों टीमों के खिलाड़ी कैसे प्रदर्शन करते हैं। इस मैच के बाद जो मैच खेला जाएगा खिलाड़ी तैयार रहेंगे। 21 पॉइंट का सिंगल सेट खेला जा रहा है मैच। मैच के समापन के बाद आप अपनी टीम के साथ ग्राउंड पर पहुंचेंगे। समय का विशेष ध्यान रहे, किसी भी प्रकार का विलंब ऐसा नहीं है, आप पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आप सभी खिलाड़ियों का। सोनी बनी हुई है 0 पे, आप आ रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या करते हैं। 5 पॉइंट हो चुका है। एक बार फिर सर्विस के लिए तैयार, अच्छी सर्विस वहां पर रिसीव भी अच्छी की गई है अपोनेंट की तरफ से। फिर गेंद को पास कर दिया, अब खेमे में है पटेल लगा के प्रहार करने की कोशिश, लेकिन इस खिलाड़ी ने जो 3 नंबर की जर्सी नीचे पहन रखी हुई है खेला है, तो 43 समय है। पटेल लगा के स्कोर जा पहुंचा 6 पे, और अभी सोनी बनी हुई है 0 पे। लगातार दौड़ बनाते हुए एक बार फिर खेमे में है सोनी के, इतना क्या करते हैं कैसे वहां धीरे से पुश करने की कोशिश, लेकिन एक पॉइंट तो मिलेगा सोनी को, निशाद नेट करा दिए गए हैं। साथी कमेंटर साहब बताना चाहेंगे कि 3 नंबर जर्सी का ये जो खिलाड़ी ब्लैक कलर की जर्सी पहना हुआ है, शायद इनका नाम ओम है, और बड़े ही अच्छे खिलाड़ी हैं ये, हॉस्टलर रह चुके हैं, अच्छे तरीके से बाल को खेला करते हैं, पटेल नगर की टीम से खेलते हैं, और साथ में जो अन्य खिलाड़ी हैं उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहता है साथी खिलाड़ियों के साथ टीम के लिए। तो एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए अपने खेल को निखार, खेल की जो निखार होती है उसको, अपनी प्रतिभा को बिखेरते हुए इन खिलाड़ियों के साथ आप आगे देखेंगे किस तरीके का खेल खेलती है टीम। पटेल नगर एक ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही अच्छी टीम मानी जाती है और अच्छा खेल खेला भी करते हैं। और भरत जी, मैं नाम नीले रंग की जर्सी ऊपर पहने हुए उस खिलाड़ी का क्या नाम है, क्योंकि लगातार 5-6 पॉइंट इन्हीं के जरिए इन्होंने अचीव किया हुआ है, तभी प्रहार किया है, पॉइंट अपने टीम के लिए जोड़ा है, अच्छी सर्विस के साथ एक बार नंबर के जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ने, उनका नाम मिला है ओम, जो है सर्विस के लिए तैयार है। एक बार फिर सर्विस के लिए तैयार, अच्छा खासा सर्विस किया है, और देखना है क्या करते हैं वहां पर, धीरे से पुश करने की कोशिश, लेकिन एक पॉइंट मिलेगा, साथ नेट करा दिए गए हैं, और नेट करा दिए गए, इसी के साथ 2 पॉइंट दोनों नेट से प्राप्त हुआ है सोनी को। तो ये गलतियां कहीं ना कहीं करके 2 पॉइंट दे दिया है सोनी को। तो टोटल इस समय पटेल नगर का स्कोर 9 पे है और सोनी का 2 पे है। दे रहे हैं क्या वहां पर थोड़ा सा तालमेल न होने की वजह से 1 पॉइंट फिर सोनी के खाते में जुड़ा है। 3 पॉइंट हो चुका है, तो पटेल नगर का बना हुआ है 9 पे। देखना है दोनों टीमों के खिलाड़ी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए, अब देखना है धीरे गेंद हवा में वहां पर पुश करने की कोशिश, लेकिन एक बार फिर 3 नंबर के खिलाड़ी थोड़ा सा चलाकी खिलाड़ी ने मौजूद था और गेंद फाउल हुई। इसी के साथ टोटल स्कोर पटेल नगर का 9 पे है, सोनी का 4 पे। तो सिंगल सेट का मैच खेला जा रहा है जिसमें पॉइंट की संख्या है 21। तो बताना चाहेंगे कि ग्राम सभा पहाड़पुर के बड़े भैया राजीव यादव जी का भी, चाचा जी आपका भी आगमन हुआ, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हुए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप आए और अपना उचित स्थान ग्रहण करें। सबों और खिलाड़ियों से निवेदन करना चाहता हूं, जिनकी बाइक साइकिल इस घर के सामने खड़ी हुई है, जैसे मेरे जिधर मैं हाथ दिखा रहा हूं वहां पर जिनकी खड़ी हुई है, कृपया उस थोड़ा साइड में कर लें, क्योंकि वहां से अपनी साइकिल मोटरसाइकिल थोड़ा साइड में कर लीजिए, ताकि जानवरों को भी देख। तो इस समय पटेल नगर की स्कोर की है, सोनी 6 पे है, पटेल नगर 11 पे है। तो सर्विस के लिए अच्छी सर्विस वहां पर, देखना है अब गेंद अभी है सोनी के खाते में, लेकिन वहां पर कोई चलाकी नहीं, कोई तार्किक मूल्यांकन नहीं किया। 12 पे सोनी बनी हुई है 6 पे, आगे की लीड कर रही है, लगातार लीड पे बनी हुई है पटेल नगर के खिलाड़ी। एक बार फिर प्रहार करने की कोशिश, लेकिन गेंद सीधा टकराई हुई उस प्रोपराइटर डॉक्टर अक्षय सिंह जी का आगमन हुआ है। हम आदरणीय डॉक्टर साहब का मंच के माध्यम से कमेटी के सभी सदस्यों के माध्यम, डॉक्टर साहब जी जो शाह मेमोरियल के प्रोपराइटर हैं, अक्षय सिंह जी, अक्षय जी सॉरी, कुछ गलतियां त्रुटियां हुई।
जो हमें आपका नाम बताने में बताया सैदाबाद के प्रोप्राइटर आदरणीय अच्छे अली जी का भी आगमन हुआ। हम मंच के माध्यम से बार बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं आदरणीय अच्छे अली जी का। और जैसा 21 का सिंगल सेट भी बनी हुई है छह पे, हालांकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं अब ये कहीं ना कहीं पटेल नगर के खाते में ये एक पॉइंट के साथ ही बनता हुआ, वहां पर तालमेल की कमी होने की वजह से एक पॉइंट को सर्विस से मिलता हुआ टोटल स्कोर पटेल नगर का जाता हुआ 417 पे और सोनी बनी हुई है छह पे। तो इसी के साथ हम बता देना चाहते हैं कि इसके तुरंत बाद भरत जी इसके तुरंत बाद किसके किसके बीच में मैच है? जोशी बनाम पहाड़पुर, जोशी बनाम पहाड़पुर के बीच में मैच खेला। उसके तुरंत बाद झोसी बनाम पहाड़पुर के बीच में मैच होगा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग तैयार रहे, वार्म अप करते रहिए, जैसे ही मैच का समापन होगा आपको तुरंत कोर्ट पे आना है और मैच शुरू होगा। और इसी बीच में हमारे जो मेहमान है अतिथि माननीय राम कोलन यादव जी इस समय मौजूद है, जो प्रस्ताव को बड़े भैया रानिया मालाधारी यादव जी आप जहाँ कहें बोले कमेंट्री बॉक्स पर पहुंचे। बड़े भैया रानिया मालाधारी यादव जी आप इधर संपर्क करें भैया से। के बीच में श्याम मेमोरियल के प्रोप्राइटर आदरणीय अच्छे अली जी का आगमन हुआ और उनकी तरफ से एक बहुत ही बड़ा योगदान आता हुआ 1100 रुपए का सहयोग इस टूर्नामेंट में किया। उन्होंने सहयोग भरी इस भावना को ताकत्र करते हुए हम बार बार उनसे उन्हें इस टूर्नामेंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और आग्रह करते हैं आप ऐसे ही हमेशा हमारे इस छोटे बड़े का अगली टीम जो है जोशी वर्सेस पहाड़पुर, इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों से निवेदन की जैसे वो कोटे आ जाए। और हमारे जो सामने माननीय कमला यादव जी जो बालीबाल के भूतपूर्व